की बजाय दो लगानी चाहिए थी नेता भाभी को उसे। अरे ये दोनों अगर मैंने बचपन में लगा दी होती ना छज्जी को और मुन्ने को तो इतने फासले ना होते दोनों में। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? तुम्हें कब से फिक्र हो गई अपने बूढ़े दादा की? हाँ ये बताओ, तुम भी तो वही हो। कम से कम आप तो मुझे ये ताना ना दें। आपकी खातिर म्यूजिक सीखा, पापा से दिन रात गिटार तोड़वाए, लेकिन टटा रहा मैं। अरे यार क्या खाक सीखा है, सारे सुर सारे राग बदल के रख डाले तुम्हारे बाबा और तुम्हारे ताया की हरकतों ने, जिंदगी का लुत्फ ही बाकी नहीं रहा। इसमें आपका क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है बेटा, ना बच्चों को मिलके साथ रहना सिखा सका, ना इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी को अपने साथ रख सका और ना ही अपनी बेटी का फर्ज अदा कर सका। बस शटल कॉक की तरह घूमता रहा, कभी एक औलाद के पास कभी दूसरी औलाद के पास। बेटे की मोहब्बत में किया था बी अम्मा ने, लेकिन तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या चीज होती है। यार अब तुम लड़ने ना बैठ जाओ खुदा के वास्ते, सिर्फ अपनी औलाद को जोड़ने की खातिर अलहदा हुआ था अपनी बीवी से, पूरा खानदान मिसालें देता था हमारी मोहब्बत की, अपनी औलाद ही को मोहब्बत करना ना सिखा सके। बस कर देना अब्बा मियां, प्रॉमिस मैं भी अम्मा से माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ घर चलें। असली तुम इसे ले जाओ घर यार, मैं यहाँ कुछ देर खुली फिजा में बैठना चाहता हूँ, घर गया तो शायद मेरा दम घुट जाए। नहीं अब्बा मियां, मैं आप ही के साथ घर जाऊंगी। कभी किसी की बात मान लेते हैं। सुना नहीं अब्बा मियाँ क्या कह रहे हैं? तुम इसको घर ले जाओ और देखो प्रॉमिस करो लड़ोगे नहीं तुम इससे रास्ते में। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ।